ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जी हां, हथियारों की बिक्री को लेकर इस बार चीन ने अमेरिका की दो रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। बताया जा रहा है कि चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रेथियन के व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि लॉकहीड मार्टिन कॉर्प और रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में डाल दिया गया है और यह प्रतिबंध आने वाले वक्त में इन रक्षा कंपनियों को चीन से संबंधित आयात और निर्यात गतिविधियों में रोकेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने ताइवान को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर उसकी बौखलाहट देखने को मिली है। चीन ने बीते साल फरवरी में ताइवान में 100 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री पर दो फर्मों को प्रतिबंध किया था। उस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि इस तरह की बिक्री चीन के रक्षा हितों को कमजोर करती है और चीन अमेरिका संबंधों और ताइवान में शांति और स्थिरता को गंभीरता से कम करती है। बता दें कि अमेरिका ताइवान के सैन्य उपकरणों का मुख्य आपूर्ति करता है और पिछले साल रेथियन मिसाइल एंड डिफेंस ने ताइवान के साथ रडार टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए 412 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया था। हालांकि अमेरिका के साथ ताइवान के कोई आधिकारिक संबंध तो नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यावसायिक संबंध काफी मजबूत है। अब क्योंकि चीन का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और ऐसे में अमेरिका की किसी भी तरह की मदद चीन की शांति और स्थिरता को भंग कर सकती है। मौजूदा वक्त में चीन अपने इन कदमों के जरिए ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वो ताइवान को चीन में शामिल करके ही दम लेगी, इसके लिए भले ही बल प्रयोग का सहारा लेना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में देखा भी गया है कि चीन दुनिया भर के देशों से ताइवान के संबंधों को काटने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।